मेरे आजीज भाइयों बहनों मोहतरम नाजरीन हुसैन खुदाबंद खुदाबनसू मसीह के मुकदस और मुबारक नाम से आप सब आजीजों को मेरा आदाब अर्ज है मैं खुदाबंद का शुक्र गुजार हूं खुदाबन के लुत्फ मेहरबानी खुदावन की अजीम मोहब्बत फैज़ और खुदावन की रहमतों का शुक्रगुजार और ममनून हूँ खुदावन की जो रहमतें हैं वो हर रोज तजदीद होती रहती हैं उसकी वफादारी अजीम है उसके अजमत वफादारी में मैं जीता हूँ हालांकि मैं बेवफा होता रहता हूं मैं इंसान हूं गुनहगार हूं मगर क्योंकि खुदावंद अपने आहद में अपने सौगंध और कसम में वफादार है वो अपने ही ऊपर सौगंध खाता है मुझे अपनी कसम वो कहता है वो अजीम खुदावंद है बेनियाज अगर वो कसम खाए तो वो सिर्फ अपने ही ऊपर कसम खाता है तो उस कसम की बुनियाद पर उसने ये वादा किया जो मेरे पास आता है मैं उससे रद्द नहीं करता वो अपने वादे पर कायम है हालांकि मैं हमेशा इस मुश्किल में रहता हूं इंसान हूं मगर वो वफादार रहता है इसी वजह से अगर मैं भागूं उसके हुजूर से या सिर्फ या अगर मैं ये सोचूं कि मैं उसके हुजूर से भाग सकता हूं, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है हर जगह मौजूद है ये सिर्फ मेरी अपनी सोच है कि मैं भाई भाग सकता हूँ छुप सकता हूँ वगैरह हम इंसान से भाग सकते हैं कानून से इंसानी क़ानून से आ, भाग सकते हैं ट्रैफिक कानून से भाग सकते हैं अपने माँ बाप से भाग सकते हैं अपने आज़ीज़ व अकार से भाग सकते हैं दुश्मनों से भाग सकते हैं मगर खुदा से हम कभी भाग नहीं सकते उसका हाथ हर जगह मौजूद है और वो अपनी हिकमत से फिर भी हम भगोड़ों का पीछा करता है और हमसे मोहब्बत रखता है अपनी वफादारी निभाता है वो ऐसा आज़ीम खुदाबंद है इसी वजह से किताब मुकदस में हम पढ़ते हैं क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए खुदावंद ऐसा अजीम खुदावंद है ता जो कोई उस पर ईमान लाए आप कोई भी है आप मुसलमान हैं बना मसीही है यहूदी है हनूद में से हैं सिख हैं बुद्धिस्त हैं या बिल्कुल खुदा के जात से आप बिल्कुल मुमकिन हैं कोई भी है ता जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए अजीब बात यह है कि खुदावन की ये जो मोहब्बत है वो फिरावा और रायगा है। सिर्फ फिराव बल्कि रायगा है हमें इसकी कोई कीमत चुकानी नहीं उसने खुद इसकी कीमत चुकाई है उसने सलीब पर अपने बेटे को भेजकर यीशु मसीह को भेजकर उसे हमारे गुनाहों का किफारा अदा करने के लिए वो अजीम कुर्बानी दी जो कि हमारी समझ हिकमत से बालातर है और सलीब पर से उसने उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया ताजिया ने मारे थूके उस पर कांटों का ताज उसके उसके ऊपर रखा कीलें ठोकी और क्या कहा अ बाप इनको बख्श दे क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते इससे बढ़कर मोहब्बत अपने दुश्मनों के लिए क्या है ये फलसफा इतना आजीम है कि बहुत से लोग इस फलसफे को लेकर ये कहते हैं कि भाई क्योंकि ये मेरे अक्ल के अंदाजे के मुताबिक नहीं मैं इसे रद्द करता हूं तो ऐसे लोग हैं जो कि इतनी हैंजी मोहब्बत को देख कर भी वो इसे रद्द करते हैं बिलखसूस शबीर अली मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं और शबीर अली जो है वो जाकिर नाइक की तरह बतूनी और इंसानों को गुमराह करने के रास्ते पर नहीं बल्कि दर हकीकत शब्बीर अली जो है वो जुस्तुजु हकीकत में है और मैं दुआ करता हूं कि मौत से पहले उसके कल्ब को छुएगा ताकि वो खुदाबंद यीशु मसीह को जाने यहां तक कि शब्बीर अली भी कहते हैं कि व... जैसे कि किताब मुकदस में इस के मुताबिक खुद मोहब्बत के बारे में लिखी गई है वो अकल से दूर है इसलिए मैं इसे मानता नहीं और मैं दुआ करता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो यूं समझते हैं वो इस मोहब्बत इलाही को खुदावन की मोहब्बत को समझ सके हैं क्योंकि ये वाक हमारी समझ से बालातर है हमारी समझ से हर चीज बालातर है खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया बदरत कलाम ये हमसे बालातर हर चीज जो खुदा करता है हमसे बालातर है क्योंकि खुदा खुद हमसे बालातर है और हम तो रहे गुनहगार वो मुकदस खुदावंद इसी वजह से ईमान लाना जो है वो देखने की चीज नहीं वो ईमान लाने के बारे में है जिसे हम देख नहीं सकते उस उस पर बावर करते हैं कबूल करते हैं कि खुदाबंद है उसकी आजमत हमारे चारों तरफ है जब हम नफस हयात लेते हैं सुबह सवेरे चांद सितारों को देखते हैं और परिंदों को देखते हैं चरिंदों को देखते हैं दरिंदों को देखते हैं इन हवा के झोंक हवा का झोंका आता है या तूफान या आंधी या बारिश या बर्फ सब इन चीजों को इन तभी चीजों को देखते हैं तो हमें वाज हमारे लिए वाज वाजे होता है कि एक खुदाबंद है और वो खुदाबंद एक हिकमत वाला खुदाबंद है और फिर वो खुदाबंद अजीम और मोहब्बत रखने वाला खुदाबंद है वही वजह है सलीब बहुत से लोगों के लिए लगजीदगी का बाइस है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि उन्हें मोहब्बत इलाही की समझ नहीं है इसी वजह से अः युहन्ना रसूल यूं लिखते हैं इस बारे में और वो कहते हैं कि मोहब्बत इलाही को देखो देखो खूब जानो कि कितना अजीम है ये मोहब्बत इलाही हम इंसानों के लिए अगर हम यूहना रसूल और उसके पहले किताब को पहले ख़त को पढ़ें और उसके तीसरे बाप में आए तो लिखा हुआ है पहली आयत में देखो बाप ने देखो खुदा बाप ने हमसे कैसे मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं और हम हैं भी दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना दुना दुनिया हमें खुदा के फर्जंद की हैसियत से खुदा के मोहब्बत को यूं जानते नहीं क्योंकि दुनिया ने खुदाबंद को नहीं जाना वो वो ये सोचते हैं कि वो खुदाबंद को जानते हैं जैसे कि अमारत इस्लामी अफगानिस्तान तालिबान वो सोचते हैं कि वो खुदा को जानते हैं। दर हकीकत वो खुदा को जानते ही नहीं अगर वो खुदा को जानते तो वो हकूक़ बशर को पायमाल नहीं करते वो लोगों को डंडे के जोर से मस्जिद नहीं ले जाते बल्कि वो ये समझते कि आज ही सुबह जब सूरज निकला तो इस तुलू के होते ही जो लोग नींद से उठे उनमें मुसलमान भी थे मसीही भी थे हिंदू भी थे बुद्धिस्ट भी थे यहूदी भी थे आप किसी भी धर्म मजहब या दीन का नाम लें किसी भी कौम और मुल्क का नाम लें उनमें बहुत से लोग जाग उठे तनफस किए हर कोई अपने मंदिर मस्जिद या माबद को गए पूजा करने के लिए भी इबादत करने के लिए भी मगर खुदावन ने यह नहीं कहा कि भाई आ, मैं तुम्हारे मजहब को नहीं मानता तुमने बगावत की है इसलिए मैं तुम्हें कब जरूर करता हूँ नहीं खुदावन जो है हमें मवा अता फरमाता है इसी मवाक़े को हम खुदावन के मोहब्बत में शामिल होकर उसकी रहमत को देखते हैं हर चीज में उसका जो मोहब्बत है उसकी जो मोहब्बत है वो हमारे लिए वाजे बयान है वाजे किया हुआ है यह है वो खुदाबन जिसे हम करते हैं जिसकी हम करते हैं जिसकी हम इबादत करते हैं बहुत से लोग दुनिया में वैलेंटाइन डे को मनाते हैं मोहब्बत जताते हैं बीवी शोहर से शोहर बीवी से और बहुत से अकारीब दोस्त एक दूसरे को फूल देते हैं ये आम हुआ है अब पाकिस्तान में भी है अफगानिस्तान में भी है हर जगह है बहुत से जगहों में कवानीन की मुखालिफत करते हुए ये लोग करते हैं मगर हकीकी मोहब्बत हकीकी मोहब्बत खुदाबंद खुदा हमारे बाप का है जो उसने हम पर की है देखो देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं उस खालिक उस मालिक उस कदूस के फर्जंद कहलाएं और हम हैं भी दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने के दुनिया ने उसे भी नहीं जाना यह है हकीकी मोहब्बत यूनुस नबी भी इसी में खुदा की मोहब्बत उसके लिए अजीम है उसने यूनुस नबी को चुना के अपना पैगाम उन लोगों तक पहुंचाए नैनबा के लोगों तक पहुंचाए जो बहुत ही बदकार जो बहुत ही खुदा से यागी या बगावत रखने वाले लोग थे खुदा ने यूनुस को चुना नबी की हैसियत से कि जा भाई मेरे पयाम मोहब्बत को उन लोगों तक पहुँचा ताकि वो तोबा करें और गज़ब इलाही से बचें क्योंकि मैं कुदूस हूं और वो गुनाह कर रहे हैं तो ये खुदा का इजहार मोहब्बत है कि हलाकत से पहले खुदावन ने अपने बंदे यूनुस को भेजा ताकि वो जाकर पैगाम इलाही को उन तक पहुँचाएँ पैगाम मोहब्बत को फैज़ को फ़ल को उन तक पहुँचाएँ ताकि वो तोबा करें पछताए और निजात पाएं ये इसमें खुदा की अजीम मोहब्बत है जब मैं दरियाए जलील के किनारे था तो उसमें भी एक कहानी है जब खुदावंद यीशु मसी कश्ती में हैं शागिर्द भी उन, उनके शागिर्द भी उन्हीं उसी कश्ती में थे तो एक तूफान बरपा हुआ अजीम तूफ़ान बरपा हुआ यहाँ तक के कश्ती डगमगाने लगे और चैलों ने या शागिर्दों ने सोचा कि भाई हम हलाक होने वाले हैं तो तब खुदाबंद यीशु मसीह उठकर तूफान को आराम किया हुक्म दिया ये वो ही खुदाबंद है जिसने यूनुस नबी के लिए एक मछली मुक्र की और उस मछली ने उसे हड़प लिया और मछली के पेट में उसने दुआ किया दुआए निजात दुए शुक्राना की हालांकि वो खुदाबन से बगावत में थे खुदा ने कहा कि नैनवा के शहर में जाओ और उन उन सो उनको बता के भाई ख़ुदा का कहर आने वाला है तुम लोग तोबा करो मगर यूना भाग गए वो भाग गए कहीं और मगर खुदाबंद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा फिर भी उसका उसके जो दस्ते शफकत है यूना पर था आए ये क्लिप देखें मैं दरियाए जलील में हूं, एक कश्ती में ज़माना बदल गया है वक्त बदल गया है दो हजार साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह एक कश्ती में अपने चैलों के साथ अपने शागिर्दों के साथ इसी दरिया में थे खुदा के कला में हम पढ़ते हैं कि खुदाबंद यसु मसीह आराम फरमा रहे थे और यकदम एक तूफान एक अज़ीम तूफान बरपा हुआ और उस तूफ़ान ने खुदाबंद यसु मसीह के शागिर्दों को हिला दिया ब्लॉक बोखलाहट में वो घबरा गए और उन्हें मालूम नहीं था कि क्या करें तबीयत ने उनको घेरा तूफान बारिश और तेज़ हवाएं, कश्ती बस जैसे कि वो गर्क हो जाए वैसे ही उनकी हालत देखने के लायक ज़रूर होगी अब मैं भी इंसान हूँ जान जो है वो जिसम जो है ज़िंदगी जो है वो हर इंसान को शीरी है वो एक कहावत है जान नबाशद जहान नबाशद अगर जान न रहे तो जहान न रहे खुदावन यीशु मसीह ने भी यही कहा बल्कि ये कहावत खुदावन यीशु मसीह के तालीम में से है कि जान नबाशद जहान नबाशद क्योंकि उसने कहा क्या फायदा है एक इंसान के लिए अगर वो सारी दुनिया को हासिल करे मगर अपनी ज़िंदगी खोए क्या फ़ायदा है ये कहावत जान नबाशत जहान नबाशत खुदावन यीशु मसीह के तालीम से है हम पढ़ते हैं मती की इंजील आठ बाब और उसके तेईसवें आयत से अगर हम पढ़ें तो उस वाक़े के बारे में उस दिन के बारे में जब इस दरिया में तूफ़ान और बारिश और तेज हवाएं चलती थी और शागिर्द घबरा गए अपनी जान की खातिर उनको जान शीरी था तब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि क्या वाकया हुआ खुदाबंद यसू मसीह आराम फरमा रहे थे हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि वो सौ फीसद खुदावंद सौ फीसद इंसान का मिल बना बने के हमें इंसानियत सिखाए अगर इंसानियत किसी से सीखना है तो वो यसु मसीह है क्यों खुदा वंदु ने हमें कामिल जिंदगी कामिल आबिद बनने के लिए हमारे गुनाहों का किफारा दिया सलीब पर मुआ वो गाड़े गए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे क्याम किया क़्याम मसीह हम भी क़याम कर सकते हैं और हयात जाविदा पा सकते हैं यहाँ पर लिखा है जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में इस झील में इस दरिया में इसे बहिर ताइबेरियस भी कहते हैं या दरियाए गलील या फिर जैसा कि उर्दू तर्जुमे में है झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि किश्ती लहरों में छुप गई मगर वो सोता रहा सोता था उन्होंने पास आकर यानी शागिर्दों ने पास आकर उसे जगाया और कहा ऐ खुदावन हमें बचाओ हमें बचाओ हम हलाक हुए जाते हैं वो घबरा गए वो घबरा गए और कहा ऐ खुदावन हमें बचाओ हम हलाक हो जाते हैं उसने उनसे कहा ए कम ए तकादो ए कम ईमानो डरते क्यों हो क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि इस तूफान का इस बहिरे का इस झील का मालिक यहां पर है ए कम ईमानो क्यों डरते हो ए कम ए तकादो डरते क्यों हो तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा जैसे कि खामोश हो जा और हम पढ़ते हैं और बड़ा अमन हो गया बड़ा अमन हो गया एक हफ़्ते पहले मैं इसी कश्ती में यहीं पर था एक हफ़्ते सिर्फ एक ही हफ़्ते पहले और ये झील जो है जैसा पुरसकून है ऐसा पुरसकून नहीं था यहाँ बारिश हो रही थी और एक तूफान बरपा हुआ वाकई तौर पर उस तरह तूफ़ान नहीं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मगर फिर भी हम छुप गए इस छत के नीचे पर्दों को जो नाखुदा है हमारे भाई जो डैनियल हैं जो इस कश्ती के नाखुदा हैं वो भी खुदावन के मोमिन हैं वो यहूदियों में से उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है और भाई डैनियल ने जल्दी से अपने कारकुनों को कहा के पर्दों को ज़रा इधर उधर करो ताकि बारिश से हम बचें और ऐसा ही हुआ मगर वो जो तूफ़ान था उस वक्त खुदावन यीशु मसीह के ज़माने में उस ज़माने में जब खुदावन बसूरत इंसान यहाँ पर आए और इस और ऐसी ही एक कश्ती में शायद वो थे शायद वो कश्ती छोटा या बड़ा मगर इसी बहीरे में इसी झील में तो डांटा आबो हवा को बारिश को तूफ़ान को डांटा और हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं डांटने के बाद बड़ा अमन हो गया सुकून हो गया इस झील में और लोग जो शागिर थे जो उनके साथ थे लोग ताज्जुब करके कहने लगे ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं ये कैसा शख्स है जिसके साथ हम है ये कौन है जिसका हुक्म यहाँ तक कि अरवाह नापाक भी मानते हैं और हम खुदा के इंजील में खुदा के तालीम में पढ़ते हैं खुदा के किताब मुक़दस में पढ़ते हैं कि अरवाहे नापाक को इंसानों से निकाला दूर हो जा निकल जाओ ये खुदा के तालीम में हम है, पढ़ते हैं इंजील में पढ़ते हैं उसका हुक्म दरिया तूफान बारिश अरवा नापाक सब कुछ मानते हैं चाँद सितारे सब कुछ उसका खाल मालिक वही है खुदा के मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि में कलाम था कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था वही में खुदा के साथ था हर चीज़ उसके वसीले से पैदा हुई और उसके बिना कोई भी चीज़ मौजूदात में से वजूद में नहीं आए वही अव्वल आखिर इंतहा अलिफ और या है वही सब चीज़ का खालिक है और यहाँ पर हम देखते हैं तूफ़ान थमा और सुकून आया और शागिर्दों ने क्या कहा और लोग ताजुब करके शागिद ताजुब करके कहने लगे यह किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं खुदावंद आज तूफानों को आपकी ज़िंदगी में खामोश कर सकता है आज भी वही खुदावंद है यीशु कल आज और कल वैसा ही है वो तगीर नापजीर है मगर वो चाहता है कि तगीर आप में मुझ में लाए खुदाए ला तगैर उसके ला तगैर कलाम में हमें ये फरमाते हैं कि वो तगैर चाहता है हम इंसानों में और वो तगीर मुस्बत है क्योंकि हम मनफी में हैं हम गुनाह में हैं हम तारीकी में हैं हम जकड़े हुए हैं जंजीरों में ग़ुलाम हैं शैतान के गुनहगार हैं क्योंकि खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है मगर उसके फ़जल के वजह से हम सब आदिल ठहराए जाते हैं जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं ईमान के वसीले से जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो देखें खुदावन ने थमा दिया सब चीज़ को हुक्म फरमाया और तूफ़ान बारिश सब थम गए और आरामिश सुकून बरकरार हुआ खुदावन वही आरामिश और सुकून आपकी जिंदगी में क्या आपकी जिंदगी में कोई तूफान है कोई वहशतनाक खतरनाक बारिश है आंधी है तो खुदावन कहता है मेरे पीछे आओ वो कभी आपका हाथ न छोड़ेगा यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा बड़ी आने से बड़ा तूफ़ान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा मैं भी उसका साथ ना छोडूंगा मैं भी उसका साथ ना छोड़ूंगा बड़ी आंधियाने से बड़ा तूफान ने से मैं भी उसका साथ ना छोडूंगा वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा थामे रहेगा वो क्योंकि वो हमारा दस्तगीर है वो हमारा साथी है और वो चाहता है कि हम गुन गुनाएं और कहीं ए खुदावन मैं भी तेरा साथ ना छोडूंगा, मैं भी थामे रहूंगा। एक छोटे बच्चे की मानन जो अपने बाप के हाथ को थामता है क्योंकि उस बच्चे का फिक्र ज़िक्र सिर्फ उसका बाप है वो खुद कमज़ोर है वो खुद कुछ नहीं कर सकता मगर उसका ईमान जो है बाप पर है कि वो मुझे नैया पार करेगा वो मुझे दरिया पार करेगा वो मुझे किनारे ले जाएगा इत्मीनान है उस बच्चे में एतमाद है बाप पर खुदावंद यीशु मसीह हमारा आसमानी पदर है वो हमारा आसमानी बाप है उसका एक नाम जो यसिया नबी में हम पढ़ते हैं कि वो हमारा जावेदानी बाप है वो हमारे मुश्किल को जानता है हमारी कमज़ोरीों को जानता है जैसा कि एक और सहने में चौदह बाप में मती की इंजील में वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस रसूल वो एक और वाक़ है एक और जगह है जहाँ पर आ, शागिर जो हैं वो कश्ती में हैं और वो देखते हैं कि कोई पानी पर चलता है पानी पर चलता है वो खुदावंद यसु मसीह है, मगर वो सोचते हैं कि ये कोई साया है कोई भूत है शायद और खुदावंद यसु मसीह क्योंकि वो दिलों को जानता है वो कहते हैं डरो मत डरो मत मैं हूँ और पतरस रसूल एकदम से कहता है खुदावंद अगर तुम हो तो फरमान दो तो हुक्म दो कि मैं भी आ जाऊँ और पतरस जो है वो पानी पर चलने लगता है जब तक वो टिक टिकी लगाकर खुदावंद यीशु मसीह को देखता रहता है मगर एकदम से जब तलातुमे बहर को तलातुमे इस झील के तलातुम को इस तूफान को देखता है वो तो घबरा जाता है और फिर वो डूबने लगता है और कहता है खुदावंद मुझे बचा खुदावंद मुझे बचा और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कम ईमान मैं तेरे साथ हूँ क्यों डरते हो और मुझे बचाओ और वो उसका हाथ थामता है और उसे कश्ती में ले आता है खुदावन आपको कभी नहीं छोड़ता अगर आप तलातुम में हैं तूफ़ान में हैं आंधी में है आप चारों तरफ से सब कुछ गमों ने मुश्किल ने महाजरत ने मफलसी ने आपको घेरा हुआ है तो खुदावन पर एतमाद ही लाजमी है और वो आपका दस्तगीर है जैसा कि उस गीत में मैं फिर गाता हूँ ये मेरा हाथ ना छोड़ेगा वो हाथ हमारा नहीं छोड़ेगा वो हमारा दस्तगीर है उस पर ईमान लाओ एतमाद करो और वो एतमाद जो है सच्चा है नेको है और आपके निजात का बाइस है कबूल करो कि तुम गुनहगार हो और तुम नहीं कर सकते उस बच्चे की मानी जिसका एतमाद सिर्फ अपने बाप पर है खुदावन हमारा आसमानी बाप है ऐ खुदावन मैं इकरार करता हूँ कि गुनहगार हूँ मैं खुद नहीं कर सकता तू ने मेरी खातिर ज़मीन पर सूरत इंसानी लेकर आया सलीब पर मसलूब हुए मारे गए गाड़े गए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तू जिंदा खुदावंद है मेरे दिल में आ मेरा खुदावंद और मुंजी बन खुदा येसु मसीह के मुकदस और मुबारक नाम से आमीन कहकर ये दुआ करें तो खुदावन आपके ज़िंदगी को तब्दील करता है खुदावन आपके साथ हो खुदावन की रफाकत आपके साथ हो खुदावन आपको बरकत दे इस दरियाए जलील इस झील जो सी ऑफ गैलरी या फिर सी ऑफ टाइबेरियस के नाम से भी मशहूर है खुदावन आपको बरकत दे क्योंकि वो खुदावन इसी झील में इसी झील में कश्ती में सवार थे जिन्होंने अपने शागिर्दों को उस वक्त बरकत दिया और पतरस को निजात बख्शा आपको वो भी आज निजात बख्श सकता है खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम से आमीन आमीन वाकई आमीन जब मैं दाऊद की दुआ को देखता हूँ वो घबराए हुए जब मछली के पेट में अब मुझे ये नहीं मालूम कि उसकी हालत कैसी थी मगर खुदावन ने मछली के पेट ही में उसके लिए एक घर शायद बनाया एक आसूदगी उसको दी इसी वजह से वो दुआ कर सकते थे ऑक्सीजन भी उसे दी इसी वजह से वो दुआ कर सकते थे मछली के पेट में जाना वहाँ पर ऑक्सीजन क्या वहाँ वहाँ पर दो बदबू होती है बहुत ही ख़तरनाक जगह और तीन दिन रहना और ज़िंदा रहना ये सिर्फ और सिर्फ मुआजा है और सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद ही ये कर सकता है हम इंसानों की बस की बात हरगिज़ नहीं है इसी वजह से जो उसकी दुआ है उसकी दुआ में हम पढ़ते हैं कि वो यूँ कहता है मैं चाहता हूँ कि जुबूर में से भी दाऊद नबी का की जो दुआ है उसका मुजना भी करता हूँ तभी उन मछली के पेट में खुदाबंद अपने खुदा से ये दुआ की मैंने अपनी मुसीबत में खुदाबंद से दुआ की और वो मुसीबत जो उसने अपने ऊपर लाया उसने खुद और उसने मेरी सुनी उसने मेरी सुनी हम गुनाह करते हैं खुदा से बगावत करते हैं खुदा से भागते हैं और जब हम मुड़ जाते हैं तो खुदावंद कबूल फरमाता है कैसा खुदावंद है कैसा अजीम खुदावंद है हमारा खुदा और उसने पाताल की तह से दुहाई दी तूने मेरी फरियाद सुनी तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया तेरी सब मौजें तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजरे किसकी मौजें और लहरे खुदाबंद की मौजें और लहरे तो अगली बार जब आप तूफान को देखें आंधी को देखें या फिर भूखम्ब जलजले को देखें खुदाबंद का है। का। खुदाबंद वो लाता है ताकि हमारी तोज्जो अपनी तरफ मबजूल करे ताकि हम खुदाबंद की तरफ देखें कि एक खुदा भी है हमसे गलती हुई है हमने गुनाह किया हम खुदा से भागे हैं ताकि हम खुदा की तरफ लौटें क्योंकि वो मोहब्बत रखने वाला खुदाबंद है और आ, तेरी मोजे और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया तब उसने उसे ये समझ में तब उसे ये अक्ल आ गया कि भाई मैं खुदा से दूर हो गया हूँ अब तक भाग रहा था भाग रहा था आराम से जब तक मछली के पेट में गया तब उसे ये याद आया कि भाई मैं खुदा से दूर हो गया हूँ मैंने गुनाह की हुई है उसने ये तो नहीं कहा कि मैं मैंने गुनाह किया तेरे ख़िलाफ़ मैं दूर हो लेकिन मैं फिर तेरी मुक़दस हैकल को देखूँगा सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया समुंदर मेरी चारों तरफ था बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया ज़मीन के अड़भंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए तो भी है खुदावन मेरे खुदा तू ने मेरी जान पाताल से बचाई तो भी जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदा को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकदस है कल वे तेरे हजूर पहुँचे जब मेरा दिल बेताब हुआ जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं एक आह निकलती है हालाँ हालाँकि जो लोग खुदा को रद्द करते हैं जैसे कि एथीस हैं वो भी मुश्किल घड़ी में एकदम से मायगार कहकर वो पुकारते हैं क्योंकि हमारे डीएनए के अदना में खुदावन ने एक परस्तिश अपने लिए रखी है एक आह अपनी तरफ रखी है जमीर जो खुदावन ने दिया है वो इसका मुद है कि खुदाबंद है और हम उसके हजूर हिसाब दे हैं दाऊद नबी भी वो फरमाते हैं दाऊद नबी वाज तौर पर ये कहते हैं अगर हम जबूर उनहत्तर को पढ़ें तो मदद के लिए जब दाऊद नबी खुदाबंद को पुकारते हैं अः खुदा मुझको बचा ले क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है मैं गहरी दलदल में धसा जाता हूं जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता मेरे आ, मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुज़रते हैं मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ दाऊद नबी जो है वो दुश्मनों आ, दुश्मनों से आ, उनको तकलीफ़ थी दाऊद नबी जो है वो खुदावन के आ, खुदावन के अजीम नबी और जैसे खुदावन फरमाते हैं कि मेरे दिल का बंदा मेरे तहे दिल का बंदा वो दाऊद था डेविड मैन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं आ, और आ, वो दुश्मनों में घिरा हुआ है आ, और हम देखते हैं कि इसके मवाजने में इसके मवाजने में आ, यूनुस को कोई प्रॉब्लम नहीं था यूनुस को खुदावन ने कहा कि भाई वो गुनहगार लोग हैं मैं तुझे भेजता हूँ वहाँ जाकर उनसे मनादी कर और उनको बता पछता वरना तो सब लोग ग़ज़ब गज़ब इलाही के जेर हैं और वो मर जाएंगे सारे के सारे खुदावर ने चाहा कि नवा के लोगों को बचाएँ मगर वो भाग गए दाऊद ऐसा भगोड़ा नहीं था मगर वो फिर भी इकरार करता है कि मैं एक गुनहगार हूं दाऊद वही दाऊद है जिसको यह गैरत आई जब जूलियत ने ललकारा के भाई मैं को मा कोई है इसराइल में कोई ऐसा है जो मुझ जैसा हो और मेरे खुदा के जैसा हो तो दाऊद को यह गैरत आई कि तेरी क्या कि तू यहोवा के लोगों के कौम को यूं बदराम करे और यहुआ के आ, को आ, ललकारे और आ, उसने उसको गैरत आई तब यहाँ पर दाऊद कहते हैं मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ और जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता मेरे गहरे पानी में मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूँ मेरा गला सूख गया मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं मेरी हलाकत के ख्वाह और नाहक जबरदस्त हैं। बस जो मैंने छीना बस जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा जो मैंने छीना ही नहीं वो मुझे देना पड़ा ऐ खुदा तू मेरी हिमाकत से वाकिफ है करार करता है कि हम अहमक बन जाते हैं खुदा की खोज में हम अहमक बन जाते कभी कभार हम अपने जहन में किसी और चीज को खुदा मा, आ, मानना शुरू करते हैं खुदाए मोहब्बत को भूल जाते हैं खुदाए फजल को भूल जाते हैं रहमत के खुदाओं को भूल जाते हैं और अपने लिए खुदा बनाते हैं और उस खुदा को लोगों पर जबरदस्ती ठोंस देते हैं कि भाई यही रास्ता है वरना खुदा ऐसा नहीं है क्या कहता है अ खुदा तू मेरी हिमाकत से वाकिफ है अ खुदा तू मेरी हिमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं मेरे गुनाह जो हैं वो तुझसे पोशीदा नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम खुदा से पोशीदा रख सकें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम खुदा से छुपाएं कहीं भी ऐसा नहीं जहां हम खुदा से भाग सकें या छुप सकें वो हर जगह मौजूद खुदाबंद है उसके उस उसके जो हाथ हैं वो हर जगह हैं और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं है न सिर्फ ये कि तू मेरी हिमाकत से वाकिफ है खुदा बल्कि मेरे गुनाह तुझसे से पोशीदा नहीं है ऐ खुदावन लश्करों के खुदा तेरी आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हो इसराइल के खुदा तेरे तालिब मेरे सबब से रिसवा ना हो तेरे तालिब वो तालिब नहीं जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान में है वो तालिब नहीं जो इंसानों का कत्ल आम करते हैं वो तालिब नहीं जो हकूक इंसानी को पामाल करते हैं वो तालिब जो खुदा के रहमतों के ताल हैं खुदा के फजल के ता, तालिब हैं खुदा के वो खुदा की मोहब्बत के, के ता, तालिब हैं खुदा की शफकत के तालिब हैं न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए वो तालिब हैं वो ये तलब करते हैं खुदा से तालिब के मानी हैं जो तलब करने वाला है जो चाहता है खुदा से वो मांगता है तालिब के यही मानी है वो खुदा से मांगता है खुदा से हमत मांगता है खुदा से उसकी शफकत मांगता है खुदा से उसकी रहमत मांगता है खुदा से उसकी मोहब्बत मांगता है तो तेरे तालिब मेरे सबब से रसवा न हो जो तुझे चाहते हैं जो तुझे पुकारते हैं क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मलामत उठाई है शर्मंदगी मेरे मुंह पर छा गई है और वो कहते हैं कि मैंने उन्हें वादा दिया है मगर जब हम पढ़ते हैं इस इस जबूर को तो हम ये जानते हैं कि खुलाबंद हमेशा हिकमत से चीजों को इजाजत देती है मैंने भाइयों के नजदीक बेगाना बना मैं भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूं और अपनी माँ के फरजंदों के नजदीक अजनबी क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी हैं दाऊद को गैरत थी खुदाबन के लिए गैरत थी खुदाबन के लिए गैरत बेजान नहीं बल्कि मुक़दस गैरत मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मलामत का बाइस हुआ जब मैंने टाट ओढ़ा तो उनके लिए मसल ठहरा वो लोग मुझे अपनी ज़ुबान से ज़ख्म करने जख्मी ज़ख्म देने लगे फाटक पर बैठे वा, बैठने वालों में मेरा ही जिक्र रहता है और मैं आ, नशाबाजों का गीत हूँ जो लोग खुदावन के हकीकी मानने वाले हैं इस दुनिया में जो खुदावन खुदावन की खिदमत करते हैं तो उनके लिए ये दुनिया आसान दुनिया नहीं है कांटों पे चलूँगा तेरे लिए दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए मैंने ये जीवन तुझको दिया है जीवन बनाऊंगा तेरे लिए मैंने भी माना ये जीवन कठिन है और हर पल दुखों से घिरा जीवन की आशाएं तुझसे लगी हैं कि तू है दया से भरा तंगी बीमारी और बढ़ती मुसीबत सबको छुटाऊंगा तेरे लिए जो खुदा का हकीकी बंदा है चाहे मुसीबत आए चाहे मुश्किल आए जैसे कि दाऊद नबी यहाँ पर कहते हैं कि लोग उसके टट्ठे उड़ाते लोग जो हैं मखौल करते थे लोग जो हैं उन पर पड़े, आन पड़े और उनकी बेइज्जती करने लगे तब भी उसने अपनी उम्मीद जो है अपनी आस जो है वो खुदावन से लगाए रखे लेकिन ऐ खुदावन, तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है सब उसकी खुशनुदी के लिए बेइज्जती उसने सहा खुदाबंद के लिए यह है खुदा का हकीकी बंदा यह है खुदाबंद का हकीकी बंदा वो गीत है एक मसीही भाई हिंदुस्तानी मैं उनका नाम अभी भूल गया शेल्डन बंदेरा वो कहते हैं कहते हैं कि ना चूंगा खोके अपना स्वाभिमान यहां तक कि मेरा स्वाभिमान मेरी इज्जत पर भी अगर कोई मुझे बेइज्जत भी अगर कोई करे स्वाभिमान के यही मानी है तो भी मैं खुदावन के लिए खिदमतगार रहूंगा उसके नाम को पुकारूंगा और यही है दाऊद नबी फरमाते हैं खुदावन तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है खुदा ते ए खुदावन तेरी खुशनुद मेरी खुशनुदी नहीं नहीं मेरी आसाइश के लिए नहीं तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है अय खुदावन अपनी शफक़त की वफ़ की फरावानी से अपनी निजात की सच्चाई में जवाब दे मुझे दलदल में से निकाल ले और धनसे धनसने न दे मुझसे अदावत रखने वालों और गहरे पानी से मुझे बचा ले मैं सैलाब में डूब न जाऊं और गहराओं गहराओं मुझे निगल न जाए और पाताल पर अपना मुंह बंद न कर और पाताल मुझ पर अपना मुंह बंद न कर ले ताकि मैं उससे उस पाताल में से निकलूं आ खुदावन मुझे जवाब दे क्योंकि तेरी शफ़क़त खूब है अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक यही तो हम कहते हैं यही तो मैं हमेशा कहता हूँ खुदावन की रहमत हम खुदा से भागते हैं वो हमें मौके फराहम करता है कि हम लौट आए सुबह को हम जागते हैं हर कोई चाहे वो हमारे दोस्त हैं दुश्मन हैं हमारे दीन और धर्म मजहब या यकीन और बावर के हैं या नहीं हैं खुदावन उनको फिर भी अपने रहमतों से नवाजता है उन्हें मौाक़े दाता देता है ताकि वो खुदावन जिंदा खुदावन को लौटे क्योंकि तेरी शफकत खूब है अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरी तरफ मुतवज्ज़े हो अपने बंदे से रूपोशी न कर क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ जल्द मुझे जवाब दे खुदावन मेरी जान के पास आकर उसे छुड़ा ले मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा फिदिया दे तू मेरी मलामत और शर्मंदगी और रसाई से और रसवाई से वाकिफ है मेरे दुश्मन सब के सब तेरे सामने हैं मला मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया मैं बहुत उदास हूँ और इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए पर कोई न था और तसल्ली देने वालों का मंतजर रहा पर कोई ना मिला जब सब लोग हमें छोड़ देते हैं जब सब लोग हमें छोड़ देते हैं तो खुदावन जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ता खुदावन हमें कभी नहीं छोड़ता वो एक आ, आ, अंग्रेजी गीत है What a friend we have in Jesus। उसमें एक हिस्सा यूं है कि वो कहते हैं जब मेरे अपने भी मुझे छोड़ देते हैं तब तू मेरा सच्चा साथी और दोस्त है तब तू ही ऐ खुदावन मेरा सच्चा दोस्त और साथी है। और फिर दाऊद फरमाते हैं उन्होंने मुझे खाने को इंदरीन भी दिया और मेरे मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका नबुवत भी है खुदावन के मसलूब होने का उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाए और जब वो अमन से हों तो जाल बन जाए उनकी आंखें तारीख हो जाए ताकि वो देख ना सके और उनकी कमरे कमरे हमेशा कांपती रहें अपना गुस्सा उन पर अंडेल दे और तेरा शदीद कहर उन पर आन पड़े उनका मस्कन उजड़ जाए उनके खेमों में कोई ना बसे जब हम मुश्किल में आते हैं तो यूं कहते हैं क्योंकि वो उसको जिसे तूने मारा है सताते हैं क्योंकि वो उसको जिसे तू ने मारा है सताते हैं और जिनको तू ने जख्मी किया है उनके दुख का चर्चा करते हैं उनके गुनाह पर गुनाह बढ़ा और वो तेरी सदाकत में दाखिल न हो उनके नाम किताब हयात से मिटा दिए जाएंगे और और सादिकों के साथ मुंदरज न होंगे लेकिन मैं तो गरीब और गमगीन हूँ ऐ खुदा तेरी नजात मुझे सर बुलंद करे मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उनकी तमजीद करूंगा जो लोग खुदा को नहीं मानते वो खुदा से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे मगर जो लोग सच्चे दिल से जैसे कि दाऊद है खुदा के हुजूर आते हैं तो खुदावंद उनको कबूल फरमाता है अपनी फर्जंदी का दर्जा देता है ये खुदावंद को बैल से ज़्यादा पसंद होगा जब हम शुक्रगुजारी करते हैं उसकी और तमजीद करते हैं बल्कि सेंग और खुर वाले बिछड़े से भी ज़्यादा बछड़े से भी ज़्यादा हलीम उसे देख कर खुश खुश हुए हैं अदा खुदा खुदा के तालिबो ए खुदा के तालिबो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबों नहीं ए खुदा के तालबो तुम्हारे दिल जिंदा रहें क्योंकि खुदाबंद मोहताजों की सुनता है और अपने कैदियों को नहीं जानता आसमान और जमीन आसमान और जमीन उसकी तारीफ करें और समुंदर और जो कुछ उनमें चलता फिरता है समुंदर सब कुछ जो उनमें चलता फिरता है यही तो हालत थी यूनुस नबी की वो समंदर में फेंके गए वो खुद वाज तौर पर यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह समुंदर की तह में सबसे पहले लहरों ने उसे जकड़ा सबसे पहले लहरों ने उसे आज़ुदगी दी फिर खुदावन ने उन सब मसाइब से उनको दर्श देने के लिए फिर एक मछली मुकर की जि जिसने यून उसको हड़प लिया मगर जब उसका दिल बेताब हुआ जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावन को याद किया अब बस है अब बस है मैं मुश्किल हूं जैसे कि दाऊद नबी ने यहां कहा मैं थक गया हूं मैं थक गया हूं और यूनुस ने भी कहा जब मेरा दिल बेताब हुआ जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावन को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकदस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची पहुंची खुदावन सुनने वाला खुदावंद है वो हमारी सुनता है वह हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता हम उसे छोड़ देते हैं बेवफाई करते हैं भागते हैं उससे उसके खिलाफ गुनाह करते हैं मगर क्योंकि उसने वादा फरमाया जब हम अपने आप को उसके तस्लीम करते हैं और कहते हैं खुदावन मेरे गुनाहों को माफ कर मेरा मुंजी बन मैं तेरे उस फदिये को जो सलीब पर तूने दी उसे कबूल करता हूँ तूने मेरे अप, अपने अपने लहू को बहाया मेरी खातिर और उससे मुझे साफ और पाक और मुकद्दस मुझे तकदस दी मैं इसे मानता हूँ तू मेरे लिए मुँह गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा मैं इसे मानता हूँ अब ए खुदावन मेरे दिल में आ अब ए खुदावन जब मेरा दिल बेताब अब मैं बेताब हूँ क्या आप आज बेताब हैं उस खुदावन के लिए उसके रहमतों के लिए उसके फजल के लिए बेताब है पुकारें उनको और वो आपको मछली के पेट में से निकाल कर जो मछली का पेट है दर हकीकत एक गोर की मानंद दरहीकत एक क़बर की मानंद है वो है ही कबर दर हकीकत ये एक नबूत है खुदाबंद यसु मसीह के बारे में जब खुदाबंद यसु मसीह ने खुद वाजह किया कि उसी तरह उसी तरह जिंदों में से वो जी उठे तीसरे दिन तीसरे दिन वो जिंदो मुर्दों में से जी उठे मुर्दों में से जी उठे और उसने तहाइफ दिए मोमिनों मौम, के लिए और वो तोहफा ये है कि अगर हम इसको माने इस तोहफे को कबूल करें खुदावन को अपना आ, ज, आ, उसके हैसियत के मुताबिक कि वो खुदावंद है वो निजात दहिंदा है अपने दिल में कबूल करें उसके अजीम मोहब्बत को हम अपनाएं तो खुदावन सदक खुदावन हमें मुआफ कर देता है और हमें गुनाहों से बचाता है और फिर हकीकी कुर्बानी जो है यहां पर लिखा तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरा मैं अपनी नजरें अदा करूँगा निजात खुदा की निजात खुदा की तरफ़ से है और खुदा ने मुझे खुदा ने मछली को हुक्म दिया और उसने युना को खुशकी खुशकी पर से उगल दिया जब हम खुदा के हुजूर आते हैं और कुर्बानी गुजरा गुजरानते हैं और हमारी कुर्बानी क्या है हमारी कुर्बानी कोई और मुश्किल कुर्बानी नहीं हमारी कुर्बानी खुदा के हुजूर ये है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें कि अदावन मैं गुनहगार हूँ मुझे बचा ले पाताल से बचा ले शैतान की नौकरी शैतान के गुलामी से बचा ले मुझे बंदगी शैतान की बंदगी के जंजीरों से बचा ले मैं तुझे कबूल करता हूँ तो खुदावन अपना हाथ दराज करके हमारे सर पर रखता है और खुदा हमें अपने पास बुला लेता है अपने अपने फर्जंदी का हैसियत हमें देता है तो ये दुआ करें अगर आप आपको खुदावन ने आपसे खुदावन ने आज बात की है ए खुदावन मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ मैं इकरार करता हूँ कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता जिस तरह दाऊद अपने आप को बचा नहीं सके जिस तरह यूनुस भागे मगर मुसीबत में आए वो अपने आप को बचा नहीं सके तू ने बचाया उन सब को तू मुझे भी बचाने वाला खुदाबंद है तू वही खुदाबंद है वही अहुआ है ए खुदाबन मैं कबूल करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और तौबा करता हूँ मेरे मेरे इस दुआ को कबूल फरमाए खुदावन मेरे दिल में आ मेरा सरदार बन मेरा खुदावन बन तुझे खुदावन की हैसियत से कबूल करता हूँ निजात दहेंदे की हैसियत से मुंजी के हैसियत से कबूल करता हूँ मुझे कबूल फरमा अपने बं, बंदे के हैसियत से खुदावन यीशु मसीह के मुक़दस और मुबारक नाम से आमीन आमीन और आमीन बस इतनी सी दुआ अगर आपने ये दुआ की है तो खुदावन ने आपको आप अपने फर्जंदी का दर्जा दिया है इस किताब मुक़दस को ज़रूर पढ़ें अगर कोई सवाल है आप बिला झिझक हमसे रबा करें जिंदगी टी वी से रता करें हमारे बहन भाई मुंतज़िर हैं क्या आपके साथ बातचीत करें खुदावन के बारे में निजात के बारे में इस किताब मुक़दस के बारे में बाइबल के बारे में आपसे बात करें और खुदावन आपको बरकत दे खुदावन आपको अपनी सलामती बख्शे अगले प्रोग्राम में हम आ, तीसरे बाप में से के जब वो गए खुदावन के हुक्म को मानने के लिए बात करेंगे खुदा हाफिज़ आप